सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप स्पाइस मनी के माध्यम से कस्टमर के आधार कार्ड से आप जो है कैश विड्रॉल किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि आप जो है आधार कार्ड के माध्यम से जो है आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं किसी भी बैंक का। तो दोस्तों, मैं यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपने स्पाइस मनी एप्लीकेशन को जो है लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं APS नगद निकासी लिखा हुआ है, जो कि हमारा हिंदी में इसलिए ऐसा बता रहा है, आपका जो है कैश विड्रॉल लिखा होगा, APS कैश विड्रॉल। इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हमें जो है अपनी डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी हमारी डिवाइस है, आपको यहाँ पर सभी तरह की डिवाइस जो है देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से किसी भी डिवाइस को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमारे पास है, और उससे पहले जो है हम अपने डिवाइस को अपने मोबाइल फ़ोन से जो है कनेक्ट कर लेंगे और OTG कनेक्शन को चालू कर लेंगे। और अपने डिवाइस, जब हमारा डिवाइस रेडी हो जाता है, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का नेक्स्ट पेज आता है हमारा, देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही विड्रॉ पर जो है क्लिक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करने हैं। अगर आपका बैंक यहाँ नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यू ऑल बैंक्स लिखा हुआ है, हमें जो है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमें क्लिक करने के बाद जो है सारा बैंक जो है देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर जो है अपने बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए ऊपर करके। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से अपने बैंक को जो है सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको देख सकते हैं, हम अपने बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर जो है हम सर्च कर लेते हैं, हम अपने बैंक को देख सकते हैं, यहाँ सर्च बटन है, सर्च हम यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमारा जो भी बैंक है हम यहाँ से जो है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ पर जो है देन हम यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक जो है दर्ज कर लेंगे। देन यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। देन हमारा बैंक जो है सबसे ऊपर ही है, हमें इसे जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। देन इतना करने के बाद हम यहाँ पर जो है अपने आधार कार्ड का नंबर जो है फिल करेंगे। अगर कस्टमर का है तो हम यहाँ पर कस्टमर का करेंगे और कस्टमर का ही बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। जो भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर चेंज करना का चाहते हो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। देन इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा नीचे आना है और आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर आई हैव पर जो है आपको आधार देखने को मिल जाता है। और इतना करने के बाद हमें जो है यहाँ पर आधार नंबर जो है फिल करना होता है, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट उसके स्कैनर को जो है QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। अगर उसका नंबर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे बाय डिफॉल्ट जो है मैन्युअली टाइप कर लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करिए, देन मैं यहाँ पर फटाफट से इतना सब दर्ज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर जो है हमें जो भी अमाउंट जो है विड्रॉ करना है, वो अमाउंट को यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है अपने आधार कार्ड का नंबर और यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर, देन यहाँ पर जो भी अमाउंट है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं मैं 500 जो है विड्रॉ करूँगा। आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट भी इसे जो है मैनुअली दर्ज कर सकते हैं। इतना करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आई एक्सेप्ट टू आधार, मतलब आधार को हम जो वही है यहाँ से कंसेंट देंगे, हम यहाँ पर टिक करेंगे। देन यहाँ से अगर अपने डिवाइस को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप देख सकते हैं स्कैन फिंगर लिखा हुआ है, हम उस पर जो है क्लिक करेंगे। देन मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, रोड से थोड़ी लेना, मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेके और यहाँ पर देख सकते हैं एरो का निशान लेकर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम स्कैन फिंगर के बटन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद कंफर्म करेंगे और हमारा जो डिवाइस है वो जल जाएगा, उस पर हम अपने कस्टमर का जो है उंगली रखवा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ वेट, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि हम वेट ही कर सकते हैं, हम इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। देन अभी तक आपने वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। देख सकते हैं यहाँ पर कैश विड्रॉ हो चुका है और मैसेज भी हमारे फ़ोन में आ चुका है। देन यहाँ से देख सकते हैं 500 हमने जो है विड्रॉ किया है, जो कि ऊपर हमें देखने को मिल जाता है और विड्रॉ सक्सेसफुली लिख के आ रहा है। देन यहाँ पर जो भी अमाउंट अभी हमारे अकाउंट में बाकी है वो यहाँ देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आपको जो है ये अगर इसका आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, और यहाँ से आपके जो है कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाता है। देन अगर आप इसे जो है अपने कस्टमर के इस मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सेंड करना चाहते हैं कितना विड्रॉ किया या फिर कितना हमने जो है हमारे अकाउंट में अभी बैलेंस बाकी है, तो आप यहां से कर सकते हैं या फिर WhatsApp में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और देन अगर किसी और कस्टमर का जो है आप यहीं से कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कैश अगेन पे हम क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने जो है आगे इस तरीके का नेक्स्ट पेज आ जाता है। तो देन हमने जो है कैश विड्रॉ कर चुका। देन दोस्तों, आप
यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें वॉलेट पे चेक कर लेना है कि हमारे वॉलेट पे जो है पैसे ऐड हुए हैं या नहीं। अगर वॉलेट में ऐड नहीं हुए तो आप विवरणित में क्लिक करके यहाँ पर जाकर देख लीजिए कि आपके पैसे जो है विड्रॉ हो चुके हैं या नहीं, और प्लस में जुड़ चुके हैं या नहीं। अगर नहीं जुड़ता है तो वो किसी वजह से जो है पैसे फंस जाते हैं। इस कंडीशन में अपने कस्टमर को समझाइए कि हम जो है पैसे नहीं दे सकते हैं, हम अपने कस्टमर को पैसे नहीं देंगे, क्योंकि वो जो पैसा कटा है उनके अकाउंट से वो उनके ही अकाउंट में वापस हो जाएगा। 2 से 4 दिनों में रिफंड चला जाता है, मिनिमम 7 डेज का लगता है इनके। इसके बाद भी अगर नहीं आते हैं तो आप अपने बैंक में संपर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे जो वॉलेट में है पैसे ऐड हो चुके हैं, अब हम अपने कस्टमर को जो है पेमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों यही रही वीडियो, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।